Welcome, civil engineers, the complete engineer, online offline industrial training program for diploma civil engineering students as per MSPT guidelines में मैं आपका स्वागत करता हूँ। How to enroll in this program? इसके लिए आपके बाजू में जो QR नजर आ रहा है यहाँ पे स्कैन करके आप बस फॉर्म फिल कर दीजिए या तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक मिल जाएगी वहां पे आप क्लिक कर दीजिए या तो हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपका नंबर जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। Who can attend this program? कितने लोग हैं जो यहाँ पे ये प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं? The program is mainly designed for the students who are pursuing diploma in civil engineering in MSBT pattern. आपके फोर्थ सेमेस्टर खत्म होने के बाद में पांचवें सेमेस्टर जाने के पहले आपको बीच में ये प्रोग्राम करना जरूरी है जो आपका 150 मार्क्स के लिए है। अगर आप कोई स्टूडेंट है जो सिविल इंजीनियरिंग में है और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, जिसने अभी तक फील्ड पे कोई काम नहीं किया है या तो जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है फील्ड पे सिविल इंजीनियरिंग में, तो भी आप ये प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हैं। आपको यहाँ से काफी सारा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। अगर आप कोई स्टूडेंट है जो ITI कर रहे हैं और जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई ट्रेड आपका है, तभी भी आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। एज एन साइट सुपरवाइजर आपको इसमें से कई सारे चीजें मिल जाएगी। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या तो डिग्री में या तो कहीं और आपने ऑलरेडी कोई प्रोग्राम एनरोल कर रखा है, अगर आपको फिर भी अगर इच्छा है तो आपके लिए भी कुछ हमने रखा है, आप भी ये प्रोग्राम में एनरोल कर पाओगे। दिस कैन बी अ सेकेंड प्रोग्राम वी कैन ऑल्सो ऑप्ट एज फॉर योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। वॉट वी विल कवर इन दिस प्रोग्राम? वैसे ये जो प्रोग्राम है ये हमारा पिछले 3 साल से चला रहा है और इस प्रोग्राम को कैसे बनाया गया था, कैसे हमने इसको डिजाइन किया है, क्या क्या पॉइंट्स हमने सोच के बनाया था, ये सारी चीजें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में लिखी हुई है या तो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक आपको अभी हाईलाइट हो रही है ऊपर। यहाँ पे हम लोग जो स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन साइट जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स जो आपको इफेक्टिवली यूज करते आने चाहिए फॉर साइट वर्क, मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स क्या क्या है जो आपको मदद करेंगे साइट के ऊपर, कॉन्क्रीटिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके सारे एसेंशियल्स फॉर एग्जीक्यूशन, जैसे कि चेकलिस्ट बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर कॉन्क्रीटिंग क्या क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में हम आपको इस प्रोग्राम में सिखाएंगे। इसके साथ में ये साल से हमने ये कुछ नए पॉइंट्स है जो प्रोग्राम में ऐड किए हैं, जिसमें इंक्लूडेड है यूज ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड रिवेट। एज एन साइट इंजीनियर आपको जितना लगता है वो ही पार्ट है ना, पूरा का पूरा नहीं, लेकिन उसके बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ 3D Max V-Ray, जिसके बदौलत आप जो 3D व्यू है उसका कैसे होंगे वो चीज, या तो फिर आपका जो वॉक थ्रू है वो इसमें आप समझ पाएंगे। आपको हम सिखाएंगे अलग प्लानिंग सॉफ्टवेयर कौन से अवेलेबल है और उसका जो बेसिक यूज है जो आप एज एन साइट इंजीनियर आपकी साइट मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। और सबसे ज्यादा हम जोर डालेंगे वो है एस्टिमेटिंग और बिलिंग पे, जो सॉफ्टवेयर का सेक्शन है उसमें हम ये एक्सेल का जो बिलिंग पार्ट है ये आपको सिखाएंगे, जिसमें आप एक्सेल की मदद से काफी सारे आपके जो टीडियस काम है उसको आसान कर सकते हैं, जो हमारा मेन पार्ट भी कवर कर हम करेंगे। की फीचर्स अगर हमारे ट्रेनिंग के बारे में आप अगर देखोगे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग में से कुछ पार्ट हम आपका लेते हैं, जैसे कि गोल सेटिंग फॉर इंजीनियर करें क्या होना चाहिए, इंटरव्यू विद फील्ड एक्सपर्ट्स जिसमें आप इंटरेक्शन कर पाएंगे जो फील्ड एक्सपर्ट्स है उनके साथ में और ज्यादा इन प्रोग्राम के बारे में जान पाए। हम आपको मदद करेंगे डेली असाइनमेंट से डेली राइटिंग, जो डायरी पार्ट आपका पूरा करना है वो कैसा पूरा करना है उसके लिए हम आपको मदद करेंगे। साथ ही साथ हम आपको जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर रहा है आपके कॉलेज में सबमिशन के लिए वो कैसे बनता है उसके बारे में भी गाइडलाइंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ ही हम आपको जो प्रोग्राम अगर आप पूरा कंप्लीट करते हो तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपको जरूरी है। आप सभी के लिए हम अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 4 अलग अलग मॉड्यूल्स में ये प्रोग्राम लेके आए हैं। पहला जो मॉड्यूल है वो ऑफलाइन मॉड्यूल है जो नासिक में अवेलेबल है। यहाँ पे जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन क्लासरूम में आ सकते हैं उनके साथ में हम लोग ये पहला मॉड्यूल करेंगे, जिसमें हमने अभी तक जो भी पॉइंट्स बताए वो सारे कवर होंगे इस मॉड्यूल 1 में। इसके साथ में उनको जो एप्लीकेशन है हमारा उसमें रिकॉर्डेड वीडियोज भी जरूर मिलेंगे। मॉड्यूल टू उन बच्चों के लिए है जो हमारे साथ नासिक में नहीं आ सकते, हमारे क्लासरूम तक नहीं आ सकते या साइट तक नहीं आ सकते, जो
बाहर गांव है, नासिक से जो बाहर है उन सभी लोगों के लिए है। यहाँ पे हम लोग आपके लिए जो सारा डेटा यहाँ पे हम कर रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप में दिखाएंगे। साथ ही साथ जो विजिट्स हम कर रहे हैं उन विजिट्स की वीडियो शूटिंग हम करेंगे, और वीडियो शूटिंग के माध्यम से आपको वर्चुअल प्रेजेंस वहां पे दिया जाएगा, जाके आपको साइट पे क्या देखना था जो आपने मिस कर दिया हमारे साथ में, वो आपको उन वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगा। साथ में आप आपके पास के एरिया में जो भी साइट चालू होगा वहां पे जो हमने आपको वीडियो में सिखाया वैसा अगर आपको कुछ देखने को मिलता है तो वहां पे जाके भी आप स्टडी कर सकते हो। जो मॉड्यूल 1 और 2 दोनों प्रोग्राम है ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, और इसका हम आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कुछ और करने का सोचा है, जिनके घर का बिजनेस है, जिनकी घर की साइट है, जिनको कॉलेज ने कुछ अलॉट किया है, और फिर भी अगर वो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या तो करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए हमने मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 का ऑप्शन रखा हुआ है। ये दोनों जो 3 और 4 कोर्स है इसमें कोई भी सर्टिफिकेट हम इशू नहीं करते, लेकिन इनको बहुत ही कम प्राइस पे, क्योंकि इनकी इच्छा है नॉलेज प्राप्त करना और ज्यादा नॉलेज प्राप्त करना, ऐसे लोगों का सोच के हमने हमारा जो प्रोग्राम है इसके रिकॉर्डेड सेशंस आपको हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेंगे, जो आप कभी भी देख सकते हो। अगर मॉड्यूल 4 को ऑप्ट करते हो तो मॉड्यूल 4 में भी रिकॉर्डेड सेशन है। फिर दोनों में क्या फर्क है? तो 3 में जो करंट बैच चालू है उसके रिकॉर्डेड सेशन है, और मॉड्यूल 4 में जो हमारा प्रीवियस ईयर का बैचेस जो हुआ था उसमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट जो वीडियोज है वो हमने वहां पे रखे हुए हैं, तो वो आप उसमें से देख सकते हो। ये जो हमारे प्रोग्राम्स जो पिछले ईयर हुए थे इनके फीडबैक्स कैसे थे, ये सारे फीडबैक्स की लिंक आपको अभी ऊपर नजर आ रही होगी, वो वहाँ पे आप देखोगे तो फीडबैक्स बच्चों के कैसे रहे प्रोग्राम में वो आप देख पाओगे। ये जो करंट ईयर का जो प्रोग्राम है यहाँ पे मॉड्यूल 1, 2, 3 और 4 इनके प्राइसिंग्स कैसे रहेंगे और इनके किस में सर्टिफिकेट रहेगा और किस में नहीं रहेंगे, ये आपको साइट पे सामने नजर आ रहा है। राइट, सो ऑल कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप एक्सक्लूसिवली एंड नॉट ऑन पीसी। तो आपके मोबाइल में आपको ये सारे देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से आपको पूरा जो है नॉलेज आगे का मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये भी जानना है कि कैसे हमारे प्रीवियस बच्चे हमारे बारे में बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला था वो लिंक आप देख ही सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको ये सब कुछ प्रोग्राम कर पाओगे, वो अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो गूगल प्ले स्टोर में जाके न्यू इंजीनियरिंग मास्टरी नाम का हमारा जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे आप जो है आपका इनिशियल डिटेल्स वर्क है यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। आईफोन यूजर्स अगर आप हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके आपको हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है UMTXJ जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये आप वहाँ पे पुट करोगे, तो वहाँ पे आप हमारे ऐप में आ जाओगे और वहां से आपको फर्दर गाइडेंस मिल जाएगा। अगर आपको ये प्रोग्राम में एनरोल करना है तो ये एनरोल करने के लिए आपको जो QR कोड दिख रहा है वहाँ पे आप स्कैन कीजिए, आपके लिए गूगल फॉर्म की लिंक खुल हो जाएगी, और वहाँ पे आप आपके डिटेल्स भर दीजिए जहाँ से हम आपको फर्दर गाइडेंस करेंगे। यही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दी है, अगर किसी को QR नहीं स्कैन हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो लिंक है वो दे रखा है, वहां पे आप कर सकते हो, या तो फिर आप हमको WhatsApp पे कांटेक्ट कीजिए फॉर डिस्क्रिप्शन लिंक, और हम आपको WhatsApp पे वो लिंक भेज देंगे। हमारा नंबर जो है WhatsApp के लिए वो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो अगर आप कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्द ही 12 तारीख को हमारी पहली बैच शुरू होगी। सो मीट यू सून, थैंक यू वेरी मच।